देहरादून जिले के डोईवाला में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए अब बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सभी को वैक्सीन लग जानी चाहिए। बता दें कि पब्लिक इंटर कॉलेज में वैक्सीनेशन का कैंप लगाकर सभी किशोर बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। बच्चों में वैक्सीन के प्रति बेहद उत्साह है और डोईवाला के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर की इस भंडारी ने कहा कि शासन से मिले दिशा निर्देश के अनुसार डोईवाला क्षेत्र के सभी 15 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन टीकाकरण का अभियान आज से शुरू कर दिया गया है, जो अगले 3 दिन तक पब्लिक इंटर कॉलेज में चलेगा। मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ और मैं 15 साल की हूँ। अच्छा, आज वैक्सीन लग रही है, कितने खुश हो आप कि वैक्सीन का इंतजार था? हाँ जी, बहुत ज्यादा था क्योंकि कोविड की 3rd लहर आ गई है और उससे बचना था, और इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि वैक्सीन लग रही है और मैं बच जाऊंगी। हाँ जी, वैक्सीन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कोरोना की 3rd वेव भी आ गई है और एक और वेरिएंट भी आया है ओमिक्रॉन, जिसे बचने के लिए वैक्सीन का बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। हाँ जी, मैं सबको बोलकर आई हूँ घर पर भी कि जो मेरे साथ है मेरे सहपाठी कि वो वैक्सीन लगवाएं, और मैंने उनको बहुत समर्थन भी किया है इस बारे में। जो भी 15 से 18 आयु वर्ग के हैं उनको तुरंत वैक्सीन लगाना चाहिए। जिस तरह से ओमिक्रॉन फैल रहा है वो काफ़ी चिंताजनक हो रहा है। अभी ओमिक्रॉन में अस्पताल में भर्ती होने की नौबत वो बहुत कम है, ये कहना चाहिए कि ना जैसी हैं। लेकिन ये वायरस कब कौन सा रूप ले ले कुछ नहीं कहा जा सकता, और इसलिए माता पिता को भी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए कि ये वैक्सीन वो जल्दी से जल्दी लगाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। ये तो हर नागरिक के लिए, इस देश के हर नागरिक के लिए ये बहुत जरूरी चीज़ है, और मुझे इस बात की खुशी है कि इसकी शुरुआत आज मेरे वार्ड से ही हो रही है, और बढ़ चढ़कर इसमें जो 15 से 18 वर्ष के आयु के जो हमारे नौजवान युवा और युवती हैं बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और मैं अपील भी करता हूं आपके माध्यम से कि बढ़ चढ़कर इसमें अपना टीकाकरण कराएं, क्योंकि ये महामारी से बचाव का एकमात्र टीकाकरण ही आपकी जिंदगी बचा सकता है। ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जो हालात हैं, दूसरी लहर हम देख चुके हैं, तीसरी लहर बिल्कुल सर पे खड़ी है। राज्य सरकार से भी मैं उम्मीद करता हूं कि जो चुनावी माहौल चल रहा है इस पे भी अपने हिसाब से जो रैलियां हैं इस पे अंकुश लगाए।